हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, या लव कम अरेंज्ड होगी, या फिर कोई और तरीके से सीक्रेट मैरिज होगी। यहाँ पे सारे सन साइंस हैं, आप सन साइन के हिसाब से अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा गाइस। हाय, वेलकम बैक एरीज। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। सो आपका फर्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस। सो हाई प्रिस्टेस ये बताता है कि बेसिकली आपका जो इंट्यूशन कहता है वही होगा। अगर आप सोच रहे हो अरेंज मैरिज होगा तो अरेंज मैरिज होगा, अगर आप सोच रहे हो लव मैरिज होगा तो लव मैरिज होगा। आपके क्रश भी हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस इनका सनसाइन हो सकता है। बी एंड जे इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा एरीस। एंड आपकी मैरिज इस पर्सन से 2 साल के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। काफ़ी सीक्रेटिव इंसान हो सकते हैं ये, सारी बातें सबको नहीं बताते। और इनके हाथ में एक स्क्रोल है तो डेफिनेटली मैसेज के थ्रू आपसे बात हो जाएगी इस पर्सन की। सो वैसे तो मुझे लव कम अरेंज्ड लग रहा है, बिकॉज आपका नेक्स्ट कार्ड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, तो आपके क्रश हो सकते हैं ये पर्सन। काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान होंगे, काफ़ी समझदार, पढ़े लिखे, नहीं तो इनके लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस होगा इस पर्सन को। ओके, लव कम अरेंज्ड हो सकती है आपकी मैरिज। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, सो आपकी जितनी भी विशेस हैं, आपका एडवाइस कार्ड यही बोलता है कि आपका जो भी विश है वो पूरा हो जाएगा। ओके, 9 मंथ्स या 2 ईयर्स, 2 मंथ्स में आपकी मैरिज हो सकती है। इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए, आई मिस योर वॉइस ओवर द कॉल। सो इस पर्सन को आप जानते होंगे, इनसे आपकी कभी ना कभी कहीं ना कहीं बात हुई होगी। ये आपके कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। एंड आपकी इस पर्सन से मैरिज होगी। ओके, माई पास्ट रिलेशनशिप हैज़ डिस्ट्रॉयड मी। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो तो इनके जो पास्ट रिलेशनशिप में जिसके साथ भी ये पहले होंगे, उस पर्सन ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। सो ये पर्सन राइट नाउ अपनी शैडो वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे शैडो वर्क कर रहे हैं। शैडो वर्क जैसे ही हो जाएगा, ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएगी और इस पर्सन से आपकी मैरिज हो जाएगी। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ हिट अप थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स हिट अप टू लियो। हाय, वेलकम बैक लियो। जिन्होंने भी सेकेंड पाइल चूज़ किया था, आपका जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेनिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनका सनसाइन से भी आपकी मैरिज होगी। नंबर 2 इनके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा। 2 ईयर में या 1 ईयर में या 1 मंथ या 2 मंथ्स में इस पर्सन से आपकी मैरिज हो जाएगी। इन्फिनिटी सिंबल है, जैसे आप देख सकते हो इस पर्सन का। ओके, ये आपके सोलमेट हैं, बिकॉज इन्फिनिटी इज़ लाइक सोलमेट कनेक्शन। एंड आपसे काफ़ी दूर रहते होंगे, सेम स्टेट सेम कंट्री से नहीं होंगे ये पर्सन। मॉनेटरी वाइज ठीक ठाक होंगे। ओके ओके, एंड रेड कलर इनका फेवरेट हो सकता है। काफ़ी समझदार होंगे, काफ़ी विजडम होगा इस पर्सन के अंदर, काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होगी इनको। आपका एडवाइस कार्ड है वो है पैशन इग्नाइटेड। आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पैशन होगा इस पर्सन के अंदर। आप जब मिलोगे तो काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में शुरू हो सकता है, और एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। देखते ही आपको एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, लव हो जाएगा, देन आपकी मैरिज होगी। आपकी लव कम अरेंज्ड भी मैरिज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेनिकल्स आया है, तो लव कम अरेंज आपकी मैरिज हो सकती है। आप एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते होंगे। एंड 8 आपके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा, इस पर्सन के आता होगा। एक दूसरे के लिए काफ़ी आग जल रहा होगा आपके अंदर। ओके ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट विच डजंट जस्ट लीव इट। डिवोर्स, जो लोग सेकेंड अलाइंस देख रहे हैं उनके लिए ये पर्सन डिवोर्स ही हो सकते हैं। एज यू कैन सी, डिवोर्स्ड हो सकते हैं ये पर्सन। ऑलरेडी इनका एक फेल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है। जो लोग डिवोर्स नहीं हैं उनका डिवोर्स, एक ब्रेकअप के थ्रू गुजरे होंगे वो। एंड सोशल मीडिया के थ्रू ही आप दोनों एक दूसरे से मिले होंगे, आपकी बातचीत हुई होगी। प्लीज़ फाइट फॉर मी। ओके, ये पर्सन के लिए आपको काफ़ी फाइटिंग करनी पड़ेगी अपने घर वालों से, इनके घर वालों से, इनको
उसके बाद ही आपकी मैरिज होगी। और इस कार्ड के पीछे एक और मैसेज है गाइस, सो यू आर वेरी लक्की, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। आप हमेशा इनके दिमाग में रहते हो 24/7, ये आपके दिमाग में रहता है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से अरसे से जानते हो, फ्रेंड्स हो, क्रशिंग ऑन कर रहे हो, या यू नो दोस्त हो, काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हो, या नॉर्मल फ्रेंड्स हो, या कलीग्स हो, या वट एवर इज़ दैट, ठीक है। सो हमेशा ये पर्सन आपके दिमाग में रहता है, आप इनके दिमाग में रहते हो, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट सब थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स हिट अप टू सैजिटेरियस। हाय, वेलकम बैक सैजिटेरियस, जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल चूज किया था। आपका कार्ड है 8 of Cups, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो पर्सन का सनसाइन हो सकता है। आप दोनों की मैरिज यू नो आपकी फैमिली की मर्ज़ी से नहीं होगी, आपकी मर्ज़ी से होगी। इन द सेंस कि आप ट्रैवल करके कहीं पे जाएंगे, वहाँ पे आपकी मैरिज होगी। फुल मून के टाइम पे आपकी मैरिज होगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, फुल मून जब होगा तब आपकी मैरिज होगी। 8 महीने बाद आपकी मैरिज हो सकती है। और ये कुछ लोगों के लिए आपके एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है, एंड आपकी दूर देश में ही मैरिज होगी, यहाँ पर नहीं होगी, ओके। सैजिटेरियस जिनके भी सन मून राइजिंग में आता है, आप क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं किसी और के लिए, तो भी आपकी मैरिज उसी पर्सन से होगी जिससे आप प्यार करते हो। इसका मतलब आपकी लव मैरिज होगी, बट आपकी फैमिली के अगेंस्ट जाके होगी। 9 months में भी आपकी मैरिज हो सकती है। सफरिंग्स एंड सफरिंग इन साइलेंस, आप बहुत ज़्यादा यू नो इस मैरिज से पहले बहुत ज़्यादा फाइट किया होगा आपने इस पर्सन की फैमिली से, अपनी फैमिली से, और कुछ ठीक नहीं हो पाया होगा और बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया होगा, या फिर आप किसी पास रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हो फिर ये पर्सन आपकी तरफ आए, बट आपकी लव मैरिज ही होगी इस पर्सन के साथ, एंड आप इसके इनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, ओके। इनके जो पर्सनल मैसेजेस हैं वो हैं, इस पर्सन को आप जानते होंगे गाइस, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। सो वो ये कह रहे हैं कि आप उनको इग्नोर ना करें, शायद आप इनको जानते हो। आई एम कमिंग, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के भाग भाग के आ रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, ये हमारा स्पिरिचुअल पाइल है, काफ़ी स्पिरिचुअल आप हो सकते हो, पर्सन हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हो, काफ़ी आप भगवान जी को बहुत ज़्यादा बुलाते होंगे, ओके। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स हिट अप टू लिब्रा। हाई, वेलकम बैक लिब्रा, जिन्होंने भी फोर्थ पाइल चूज किया था। इस पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव होंगे, तो आपकी मैरिज सीक्रेट मैरिज होगी, इन द सेंस कि मंदिर में हो सकती है आपकी मैरिज, कोर्ट मैरिज हो सकती है, सीक्रेटिव मैरिज होगी, किसी को इतना पता नहीं चलेगा। अचानक से आप दोनों डिसाइड कर लोगे, फिर आप दोनों की सीक्रेट मैरिज हो जाएगी, बाद में आप सबको सरप्राइज करोगे कि आपकी मैरिज हो गई है, ओके। काफ़ी इमोशनल बंदा होगा ये, पाइसिस इनका सनसाइन हो सकता है, एंड नाइट टाइम में आपकी मैरिज होगी, ओके। मंदिर में जाके या फिर यू नो कोर्ट में तो मॉर्निंग में ही होती है, 5 o'clock तक, ओके। काफ़ी दुख देखे होंगे आप दोनों ने पास्ट रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टावर है, 2 towers है, सो उस टावर की वजह से काफ़ी दिक्कतें आपने अपनी लाइफ में देखी होंगी, बहुत दुखों से गुजरे होंगे आप दोनों ही। यहाँ पे एक वो है, तो कैंसर भी इनका सनसाइन हो सकता है। सो ये जो केकड़ा है वो इन दोनों डॉग और वुल्फ को काटने की कोशिश कर रहा है, ओके। सो ऐसे बहुत सारे लोगों ने आपको चीटिंग किया होगा, उसके बाद बहुत यू नो बहुत ही मन्नतों के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपकी मैरिज होगी, सीक्रेट मैरिज होगी, आप बहुत ही खुश रहोगे इनके साथ, तो डेफिनेटली इट इज़ अ लव मैरिज काइंड ऑफ थिंग, ओके। एंड रात में ही आपकी मैरिज होगी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। 6 months में आपकी मैरिज हो सकती है, नेक्स्ट 6 months में। इस पर्सन के आते ही आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा, इस पर्सन का भी थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा जब आपकी मैरिज हो जाएगी, और काफ़ी दूरदर्शी हो सकते हो, दूर का आप देख सकते हो, काफ़ी समझदार इंटेलिजेंट होंगे ये पर्सन, और इनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाइसिस है, तो आप दोनों ही काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो कि लव मैरिज होगी। इस पर्सन को आपने कब पहले डेट किया हो सकता है, या एक दूसरे से प्यार करते हो काफ़ी टाइम से, रिग्रेट पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि आपने इनके साथ अभी
नो कॉन्टैक्ट में हो, शायद मे बी दैट इज़ पॉसिबल. एंड ट्रैवलिंग, ये पर्सन ट्रैवलिंग जॉब में हो सकते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम में आपसे मिले हों, या यू नो किसी जर्नी के टाइम पे आप दोनों एक दूसरे से मिले हों. आप भी काफ़ी लकी हो, आपके में भी दो कार्ड्स हैं. मनी, ये पर्सन अभी अपने मनी पे वर्क कर रहे हैं, जैसे ही हो जाएगा ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे अगर आप इनको नहीं जानते. एंड विल यू मैरी मी, आपके में कार्ड आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो आपके में तो ऑलरेडी आ ही गया कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सीक्रेट मैरिज होगी एंड ही विल बी वेरी हैप्पी लिब्रा. ओके, सो आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ हिट द थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. लेट्स हिट अप टू जेमिनी. हाय, वेलकम बैक जेमिनी, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज किया था. आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपके फैमिली मेम्बर्स की मर्ज़ी से, आपके फादर की मर्ज़ी से ये मैरिज होगी. अब आपके ब्रदर सिस्टर कोई हैं तो उनकी मर्ज़ी से ये मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी जेमिनी. एंड आप फैमिली पर्सन हो सकते हो, इस पर्सन की काफ़ी बड़ी फैमिली हो सकती है, बिग फैमिली में आपकी शादी होगी, काफ़ी रिश्तेदार हो सकते हैं इनके, बिग यू नो न्यूक्लियर फैमिली नहीं होगी, इनकी बड़ी फैमिली होगी, बिग फैमिली होगी. बहुत बड़ा बंगला हो सकता है इनके पास, बहुत बड़ी यू नो बहुत ही खूबसूरत एक कार हो सकती है, पेट्स हो सकते हैं इनके दो, एंड काफ़ी खूबसूरत घर होगा इनका. काफ़ी वेल्दी होंगे, बहुत ही इनका यू नो बिज़नेस क्लास फैमिली से हो सकते हैं, बिजनेस करते हों, इनका खुद का काम हो. ओके, जॉब करना इनको पसंद नहीं होगा इनकी फैमिली में किसी को भी. ओके, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से ही आपकी मैरिज होगी. ओके, 10 मंथ्स में आपकी मैरिज हो सकती है, एंड या 19 वीक्स में, 19 मंथ्स लगा लीजिए, उसके बाद आपकी मैरिज होगी. लाइट, लव एंड लाइट यहाँ पे आ गया. सो इस पर्सन के आते ही आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. एंड कुछ लोगों के लिए लव कम अरेंज हो सकती है, दिस जस्ट अ चैनल मैसेज. ओके, सो डोंट बी डिसहार्टेंड. कई बार अरेंज मैरिज भी बहुत अच्छा ही निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज में भी आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बट इस पर्सन के साथ यू विल बी वेरी हैप्पी. जेमिनी पीपल आर वेरी सिंपल, वेरी स्मार्ट, वेरी क्यूट. ओके, उनके नाक पे एक तेल हो सकती है यहाँ पे. ओके, सो इस पर्सन से आपकी मैरिज होगी, अरेंज मैरिज. इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते होंगे गाइस, आपका पर्सनल मैसेज है, आई मिस योर वॉइस. ओके, इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते होंगे. ओके, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ओनली फ्यू पीपल. हीलिंग चाइल्डहुड इश्यूज, इस पर्सन के काफ़ी चाइल्डहुड में ट्रॉमास हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स के साथ ना बनती हो या कुछ ऐसे ही. जब हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो यू नो बंदा थोड़ा सा यू नो घिर सा जाता है, उसका खुद का ओपिनियन वो बना नहीं पाता, जो उसकी फैमिली बोलती है वही करता है. तो हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे झगड़े हों फैमिली में, या फिर इनके पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज़ हों, वो चीज़ें हील कर रहे हैं ये पर्सन. वी कनेक्ट विद म्यूज़िक. ओके, आप कोई भी गाना सुने, उस म्यूज़िक में आपके लिए एक छोटा सा मैसेज होगा इस पर्सन के साथ. आज आप कोई भी गाना सुनेंगे ये पर्सन की तरफ से, उसमें एक मैसेज होगा आपके लिए. ओके, सो म्यूज़िक से ये पर्सन रिलेटेड हो सकते हैं, रैपर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकते हैं ये पर्सन. ओके, सो आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ हिट अप थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. लेट्स हिट अप टू एक्वेरियस. हाय, वेलकम बैक एक्वेरियस. जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया था, 3 मंथ्स में, 10 मंथ्स में इस पर्सन से आपकी मैरिज हो सकती है. 3 ऑफ पेनिकल के साथ इस पर्सन का सन साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है. आप वर्क के थ्रू ही इस पर्सन से मिलोगे एंड काम के थ्रू इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन के साथ होगा. पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हो, वैसे आप बिजनेस के थ्रू आप मिल सकते हो इस पर्सन से, और आपकी मैरिज ऐसे होगी इनसे. ओके, आपको लव हो जाएगा एक दूसरे से, तो लव मैरिज है, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई थर्ड पर्सन आपकी मैरिज करा सकता है, कोई रिश्ता आपके लिए लेके आ सकता है. बट मुझे यहाँ पे लव कम अरेंज्ड भी दिख रहा है और लव मैरिज भी दिख रहा है. ओके, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक सेकेंड अलाइंस के लिए देख रहे होंगे, दस जस्ट चैनल में से सेकेंड अलाइंस देख रहे हो, आप देख रहे हो, ये पर्सन देख रहे होंगे कुछ लोगों के लिए. 10% पीपल, डेस्टाइन कनेक्शन है ये, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है. 10 मंथ्स में या 3 मंथ्स में आपकी मैरिज हो सकती है इस पर्सन के साथ, और डेस्टिनी है आप दोनों का एक साथ. ओके, या हो सकता है ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी में हो और उससे निकल रहे हों.
यस, आपका जो कार्ड है वो है डिवोर्स। आप डिवोर्स्ड हो सकते हैं, पर्सन डिवोर्स्ड हो सकते हैं। ओके, बेबी, इनका ऑलरेडी एक बेबी हो सकता है, आपका हो सकता है, आप सिंगल मॉम हो सकते हैं, ये सिंगल फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, वाइस वर्सा। हीलिंग विथ फैमिली इश्यूज़, इनके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, उससे ये पर्सन हील कर रहे हैं, जैसे ही हील कर लेंगे ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे और इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो जाएगी एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। ओके, सो आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स हिट अप टू पाइसिस। हाई, वेलकम बैक पाइसिस। जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया था, 3 मंथ्स में आपकी मैरिज हो सकती है, 5 मंथ्स में हो सकती है। एरीज, लियो, सैज इस पर्सन का सनसाइन हो सकता है जिससे आपकी मैरिज होगी। आउट ऑफ द कंट्री होंगे, काफ़ी दूर होंगे, अगर इंडिया में ही है तो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टेट से ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, एंड ये अपने शिप्स का वेट कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आ जाएंगे। ये पर्सन आपको जानते होंगे, दस जस्ट चैनल मैसेज। एंड इनको रेड कलर बहुत पसंद होगा, काफ़ी फायरी होंगे, गुस्सा जल्दी आना, जल्दी जल्दी डिसीजंस लेना। ओके, एंड आप काफ़ी शांत हो सकते हो, इस पर्सन को ऑलरेडी जानते होंगे आप, एंड इनसे आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा पहले, अगर आप एक साथ काम करते हो तो आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चला होगा या फिर कुछ दिक्कत आई होगी इनके साथ। ऐसा होगा कि आप दोनों का झगड़ा हो गया हो और देन आपके लिए रिश्ता है और आप डेफिनेटली एक दूसरे को पसंद करें और शादी कर लें, ऐसा भी हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली आपकी यू नो यहाँ पे 3 है तो डेफिनेटली किसी के थ्रू ये रिश्ता आपकी तरफ आएगा, सो अरेंज मैरिज हो सकता है ये। एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इस पर्सन की लाइफ में अभी राइट नाउ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डिफीट चल रहे हैं, या इस मैरिज में आने से पहले आपको काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज हो सकती है कि आपको भाग के शादी करनी पड़े बिकॉज इनके फैमिली ना माने, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो लव का मैरिज भी हो सकती है। या आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर यू, सो मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, उन्होंने इनका सब कुछ छीना हो, तो ये पर्सन के पास अभी कुछ भी नहीं है आपको ऑफर करने के लिए, सो वो ये बोल रहे हैं, ये आपको जानते होंगे, यू आर ब्यूटिफुल ये बोल रहे हैं, या फिर मैरिज के बाद आपको वो ऐसा बोलेंगे, आई लव यू। सो दिस पर्सन लव्स यू, बहुत प्यार करते हैं आपके लिए। एक्स्ट्रा मैसेज भी है यहाँ पे, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। सो आई थिंक ये पर्सन आपको जानते होंगे, सो लव का मैरिज आपकी मैरिज हो सकती है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। प्लीज़ लेट्स अप थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स हेड्स अप टू कैंसर। हाय, वेलकम बैक कैंसर। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया था, पेज ऑफ कप्स। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इस पर्सन का सनसाइन आपका हो सकता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इस पर्सन का सनसाइन होगा जिससे आपकी शादी होगी। एंड ये पर्सन काफ़ी लविंग होंगे, काफ़ी केयरिंग होंगे। इस पर्सन के साथ आपका एक सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस कप के अंदर एक छोटा सा फिश है, सो आपकी लव मैरिज हो सकती है इस पर्सन के साथ। एंड कप्स है, कप्स की एनर्जी है, तो आपकी बचपन में शादी हो सकती है, जल्दी हो सकती है मैरिज। ये पर्सन के साथ आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, काफ़ी यू नो पेज की एनर्जी में होंगी, काफ़ी यंग वाइब होगा। अगर बड़े भी होंगे तो मस्ती करते होंगे, मजाक करते होंगे, हंसते रहते होंगे, हमेशा आपको हंसाएंगे। दिस पर्सन विल बी वेरी यू नो आप बहुत खुश रहोगे, पूरा दिन आपका कैसे निकल जाएगा वो पता नहीं चलेगा। वो लड़ाई झगड़े, वो यू नो एक दूसरे को नीचे दिखाना, वो सब नहीं होगा। ऑलवेज यू नो विटी जोक्स करना, प्यार करना एक दूसरे को यू नो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बोल के छेड़ना, ये सारी चीज़ें आपकी मैरिज में होगी। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, तभी मुझे हंसी आ रही है। ओके, मे बी उनकी एनर्जी यहाँ पे आ गई है, सो दिस पर्सन वुड बी वेरी यू नो हैप्पी गो लकी जैसे बोलते हैं वैसे पर्सन। रेड इनका फेवरेट कलर हो सकता है। एंड नेक्स्ट कार्ड है 20, तो 2 ईयर्स में 2 मंथ्स में आपकी मैरिज हो सकती है। 20 आपकी एज राइट नाउ हो सकती है, दैट्स पॉसिबल। ट्रुथ, सच बोलेंगे हमेशा आपसे। ओके, हमेशा सच बोलेंगे, किसी चीज़ में झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। ओके, हमेशा सच बोलेंगे, सच्चे इंसान होंगे ये।
आपके पर्सनल मैसेजेस देख रहते हैं। ये पर्सन शायद आपको जानते होंगे, आपकी बेसिकली लव मैरिज ही होगी क्योंकि कप्स हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस हैं, इमोशनल पर्सन होंगे, लव मैरिज होगी आपकी। योर स्माइल इज़ अमेजिंग, आपकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। या मैरिज के बाद वो आपको ऐसा बोलेंगे, आई विश वी कुड टॉक अगेन। मैंने जैसे बोला था कि ये पर्सन आपको जानते होंगे, ये चाहते हैं आपसे दोबारा से बात करना। मे बी आपकी अभी नो कम्युनिकेशन हो सकता है। वेकेशन, वेकेशन के टाइम में आप एक दूसरे से मिले हो, या फिर ये पर्सन आपको बहुत सारे वेकेशंस पे ले जाना चाहते होंगे और आपके साथ बहुत घूमना फिरना चाहते होंगे, बातें करना चाहते होंगे, एंजॉय करना चाहते होंगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स हिट अप टू स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया था, आपकी 6 मंथ्स में शादी हो सकती है एंड 4 मंथ्स में आपकी मैरिज हो सकती है। आपका है लवर्स, सो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी। एंड जेमिनी से आपकी मैरिज हो सकती है। आप दोनों हाई लेवल सोलमेट, हाई लेवल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। एडम एंड ईव है यहाँ पे, तो वैसा रिश्ता होगा आपका। काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार होगा एक दूसरे के लिए। एंड मॉर्निंग में आपकी मैरिज हो सकती है, हो सकता है साउथ इंडियन वेडिंग हो, दैट इज़ पॉसिबल। ओके, एंड काफ़ी फ्लेम्स हैं यहाँ पे, काफ़ी फ्रूट्स हैं, तो काफ़ी बढ़िया वेडिंग होगी, बड़ी वेडिंग होगी, बिग वेडिंग होगी। आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपके पेरेंट्स इसको अरेंज करा दे, तो बहुत ही बिग टाइप की वेडिंग होगी। काफ़ी लोग आएंगे आपकी मैरिज में। दिस इज द चैनल मैसेज। फर्म फाउंडेशन, सो इस पर्सन के साथ आपको एक फर्म फाउंडेशन मिलेगा। इनका रंग हल्का सा ढला हुआ हो सकता है, आपका हो सकता है। एंड बॉडी बिल्डिंग करना इनको बहुत पसंद होगा। टैटू इनके हाथ में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। दस दस चैनल मैसेज। टैटू करने का इनको बहुत शौक होगा। काफ़ी फिट बॉडी होगी, आपको जिम करने का, इस पर्सन को जिम करने का काफ़ी शौक होगा। जेमिनी से ही आपकी मैरिज होगी एंड लव मैरिज होगी। दिस पर्सन वॉन्टेड टू स्पीक टू यू, ये पर्सन आपको जानते हैं शायद, सो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। फॉरगिव मी, ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, राइट नाउ ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, सो आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली बताएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन आप अब भी हो सकते हैं, बट अब आपकी मैरिज होगी तो डेफिनेटली लव मैरिज होगी। ओके, थर्ड पार्टी से निकल के आ जाएंगे, फिर आपकी मैरिज होगी। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स हिट अप टू टॉरस। हाई, वेलकम बैक टॉरस। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया था, आपका कार्ड है एस ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न से आपकी मैरिज हो सकती है या फिर वर्गो से हो सकती है। एस है यहाँ पे, तो न्यू बिगिनिंग होगा, आपकी अरेंज मैरिज ही होगी एंड यूनिवर्स आपको ये रिश्ता ला के देगा। आपके फैमिली में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गार्डन है, तो आपकी फैमिली से पता करके किसी से या फिर मैट्रिमोनियल साइट से आ सकता है टॉरस, फिर आपकी मैरिज होगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, 2 ईयर में, 1 ईयर में आपकी मैरिज हो सकती है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में भी हो सकता है कि किसी टाइप के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हों, या फिर इनको कोई टाइप का प्रॉब्लम हो, इन द सेंस कि डिप्रेशन की दिक्कत हो या आपको हो, बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसा कुछ हो, समथिंग लाइक दैट। तो शादी करने से पहले 10 बार सोचिएगा। ओके, आपकी अरेंज मैरिज होगी, सो ये पर्सन काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड होंगे अपने ही सोच में, दैट इज़ पॉसिबल। ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानते होंगे गाइस। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू हैव यू, ये चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके साथ रहें। कोई आपके साथ आए तो इनको बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है, बुरा लगता है। ओके, आई लव योर फीट, ये पर्सन को आपके फीट बहुत पसंद है, काफ़ी खूबसूरत पैर हो सकते हैं आपके। आई फैंटिसाइज मेकिंग लव टू यू, एक्स्ट्रा मैसेज है आपके लिए। सो ये पर्सन आपको, आपके साथ लव मेकिंग करते हुए फैंटिसाइज करते हैं हमेशा। ओके, हनीमून पे इस पर्सन के साथ आप जाओगे, इनके पर्सनल मैसेजेस हैं। सो ओके, आउट ऑफ द कंट्री भी जा सकते हो सकता है, आउट ऑफ द कंट्री दुबई में रहते हो, दिस इज पॉसिबल। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स हिट अप टू वर्गो। हाय, वेलकम बैक वर्गो। जिन्होंने भी पाइल चूज़ किया था, 6 मंथ्स में आपकी मैरिज हो सकती है विद द 6 ऑफ वंड्स। एरीज, लियो, सैग से आपकी मैरिज हो सकती है, कोई भी सन साइन हो सकता है। आपके घर में बारात आएगी, अरेंज मैरिज हो सकती है ये, या लव कम अरेंज हो सकती है। ओके,
एंड काफ़ी लोग होंगे आपकी मैरिज में, बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि ये पर्सन काफ़ी हाई हॉनर जॉब में हो सकते हैं, काफ़ी लोग इनको पहचानते हैं, काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं ये पर्सन, इनको काफ़ी लोग जानते हों, और कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे फैमिली से हो सकते हैं, इनकी बिग फैमिली भी हो सकती है, ओके। एंड काफ़ी खूबसूरत वेडिंग होगी आपकी, बहुत ही सुंदर वेडिंग होगी, लव मैरिज, लव कम अरेंज्ड हो सकती है आपकी कुछ लोगों के लिए। 4 मंथ्स में, 6 मंथ्स में आपकी मैरिज हो जाएगी। इस पर्सन के आते ही आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी कंटेंट विद दिस पर्सन, बहुत ही खुश रहोगे आप, ओके वर्गो। एंड आपने इस पर्सन को चेंज किया है, आप इनको जानते होंगे, तो लव मैरिज हो सकती है। यू हैव चेंज्ड मी, आप ने इनको चेंज किया है। मनी, मनी पे ये पर्सन अभी अपना वर्क कर रहे हैं, इनका दिमाग हमेशा अपने काम पे रहता है, बहुत बिजी रहते हैं ये, काफ़ी अच्छे जॉब पे हो सकते हैं। एंड म्यूज़िक, आप दोनों म्यूज़िक से कनेक्ट करते हो, तो कोई भी गाना आप सुनते होगे तो इस पर्सन के बारे में हमेशा आपको याद आती होगी, ओके। सो वर्गो, बहुत ही अच्छा रीडिंग था, ओके। सो इफ यू लाइक इट, प्लीज़ ऐसा बताम सपोर्ट माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स एट्स अप टू केप्रिकॉन। हाई, वेलकम बैक केप्रिकॉन, आपके में एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, सो यू वेरी लक्की, आई एम वेरी लक्की, ओके। सो दिस इज़ माई रीडिंग एज वेल। पेज ऑफ वॉन्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ट्स, आपकी एरीज लियो साथ से मैरिज हो सकती है, काफ़ी दूर से हो सकते हैं, डेजर्टेड प्लेस से हो सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, ओके। एंड इनके हाथ में एक वॉन्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। इनके हाथ में एक फ़ोन टाइप का है, सो हमेशा फ़ोन पे आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ओके। एंड येलो इनका फेवरेट कलर हो सकता है, काफ़ी फायरी एनर्जी हो सकती है, एकदम से फूट के गुस्सा निकल जाना, गुस्से वाले हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं। येलो इनका फेवरेट कलर, ऑरेंज इनका फेवरेट कलर हो सकता है। इनको बूट्स पहनने का काफ़ी शौक हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कपड़े कलर्स पहनने का शौक हो सकता है। ऑरेंजिश इनके बाल हो सकते हैं, या फिर अगर ये कलर करते हैं, ओके। हैट लगाने का इनको शौक हो सकता है, फेदर्स इनको बहुत पसंद होंगे, इनको एनिमल्स का बहुत शौक हो सकता है पर्सन का। आपकी लव मैरिज होगी इस पर्सन के साथ, आप जब इनसे मिलोगे तो ये पेज की एनर्जी में होंगे, काफ़ी मस्ती करते होंगे, हंसाते होंगे, मस्ती करते रहते होंगे, छोटी छोटी चीज़ें करते रहते होंगे, और इनको एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, 1 ईयर का डिफरेंस हो सकता है, 1 साल का डिफरेंस हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 2 साल का डिफरेंस हो सकता है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ओके। इस पर्सन के साथ आपका एक सन होगा, इस पर्सन 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम मैरिज, कुछ लोगों के लिए सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, सो माई चैनल इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, सो डेफिनेटली आपकी मैरिज होगी इस पर्सन के साथ। और इस पर्सन के साथ आपका एक घर होगा, बहुत ही खूबसूरत सा, आउट द कंट्री भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ओके, इंडिया में हो सकता है। 4 मंथ्स में आपकी इनसे शादी हो जाएगी, या 1 ईयर में हो जाएगी, और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों हो सकते हो, आपकी मैरिज हो जाएगी। आप ऐसी जगह पर रहोगे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनबोज आते हो, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती हो, दैट जस्ट चैनल मैसेज, ओके। बहुत ही ज़्यादा बारिश होती हो, दैट्स पॉसिबल। काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों में, काफ़ी खुश रहोगे आप एक दूसरे के साथ, काफ़ी अचीव करोगे इस पर, आपके आपके कदम इनकी लाइफ में पड़ते ही इनका फाउंडेशन, इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें काफ़ी रेज आ जाएगा, और काफ़ी अचीव करो, आपके जो रिलेशनशिप का जो नींव होगा वो काफ़ी गहरा होगा, रूटेड रिलेशनशिप होगा। आप दोनों स्टार सीड्स हो सकते हो, टूटता हुआ तारा हो सकते हो, दूसरे प्लैनेट से आए हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे आपका एक पर्पस है, उस पर्पस को पूरा करके चले जाओ। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, इस पर्सन के आपकी लाइफ में, आपके इनकी लाइफ में आने से मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, एबुंडेंट हो जाओगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपके पास, आपका खुद का घर होगा, फाउंटेन होगा, बालकनी होगा, काफ़ी सनी जगह पे भी आप रह सकते हो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप आती हो, बारिश आती हो, डिफरेंट डिफरेंट मौसम चेंजेस हो, जैसे यूके में हमेशा मौसम चेंज होता है, अभी बारिश हो रही है तो थोड़ी देर के बाद बारिश नहीं होगी, धूप निकल आएगी, थोड़ी देर के बाद कुछ और होने लग जाएगा, बारिश होएगी,
ऐसा रहता है वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट मौसम रहता है. ओके, एक ही दिन में डिफरेंट डिफरेंट मौसम होता है. ओके, ऐसी जगह पे आप रह सकते हो इस पर्सन के साथ, काफ़ी लैविश लाइफ आप जी सकते हो. इनके घुंघराले बाल हो सकते हैं. ओके, आपके हो सकते हैं, कर्ली हेयर आपके हो सकते हैं जैसे मेरे. ओके ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है. इस जन्म एंड होने तक आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोल फैमिली में आप दोनों आते हो. ये पर्सन एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं अभी, राइट नाउ. अब्यूजिव मतलब चाटे लात घुसे मुक्के, गर्म पानी फेंकना, कॉलर पकड़ना. अगर लेडी हैं, लड़कियां हैं, कॉलर पकड़ना, बदतमीजी करना, गालियां देना, एक दूसरे को नीचे करना, अपना ईगो प्राइड सबसे ऊपर रखना, ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं ये पर्सन अभी राइट ना. जो लोग सेकेंड अलाइंस देख रहे हैं उसमें हो सकते हैं, या आप इस सब चीज़ों से गुजरे होंगे. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप ये सब चीज़ों से गुजर रहे हो जो ये देख रहे हैं क्रॉस वॉचर्स, या आप जिनके लिए रीडिंग आप देख रहे हो. मैरिज, इस पर्सन से आपकी मैरिज होगी. ओके, कर्मा, आपके अच्छे कर्म की वजह से आप इस पर्सन से मिलोगे. ओके, आई वॉन्ट टू लव यू 24/7, कडल यू, किस यू, हग यू, होल्ड यू टाइट फॉर एवर एंड एवर एंड एवर. ओके, सो हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा. या आपको कडल करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं, दे वांट टू होल्ड यू टाइट एंड हमेशा फॉर एवर के लिए आपको, यू नो, एक छोटे से डिब्बे में बंद करके मोती की तरह अपने पास रख लेना चाहते हैं. ओके गाइस, दैट्स सो रोमांटिक. काफ़ी रोमांटिक इंसान हो सकते हैं क्योंकि एरिस लियो सैज आ गए. काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, रोमांस आपका काफ़ी, यू नो, ब्लूमिंग होगा. बहुत एंजॉय करोगे एक दूसरे के साथ, बहुत खुश रहोगे एक दूसरे के साथ. कुछ आप इस पर्सन को जानते हो, कुछ लोग आपके दोस्त, इस पर्सन के दोस्त, इनके कान भरते हैं, आपके बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं, या मैरिज के बाद भी बोल सकते हैं कुछ लोग आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए. तो आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना है. नेगेटिव, नेक्स्ट कार्ड ही नेगेटिव है. आपके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, इस पर्सन के हो सकते हैं, ये आपके बारे में गलत गलत बातें इनके बारे में बोल बोल के इनको बोलते हैं कि आपसे दूर रहें. ओके, सो उस पर्सन को, इस पर्सन, इन सब लोगों से दूर रहना पड़ेगा, तभी आगे आप बढ़ सकते हो. अगर आप दुनिया की सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ. चिल्ड्रन, ओके, इस पर्सन के चिल्ड्रन हो सकते हैं. ओके, एंड मे भी हो सकता है कि आपको इनके चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करना पड़े, या इनके खुद के चिल्ड्रन हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं. तो दिस पर्सन विल एक्सेप्ट योर किड. ओके, अगर आपका सन है तो दिस पर्सन विल एक्सेप्ट इट. ओके, या इन फ्यूचर आपके चिल्ड्रन होंगे, ये बोलना चाहता होगा ये कार्ड. आई वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू, ये पर्सन आपको जानते होंगे गाइस. सो ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं. ओके, आपकी मैरिज बहुत अच्छी होगी. आपके कार्ड्स कुछ क्लियर नहीं थे तो इसीलिए बहुत सारे कार्ड्स पिक करने पड़े, पर्सनल मैसेजेस. सो आई होप आपको रेजोनेट हुआ होगा. और जो डिवोर्स वाला पार्ट है वो सिर्फ सेकेंड अलाइंस जो देख रहे हैं उनके लिए है, उसको प्लीज़ इग्नोर करें जो लोग सिंगल्स हैं. ओके, सो आपकी लव मैरिज भी होगी क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. या ओके, सो दिस इज़ योर रीड डे. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज़ ऐसा बताम सपोर्ट माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कॉमेंट सेक्शन में टाइप करिए, सारे सन साइंस, और ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे इस पर्सन के साथ. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.